यूपी के शाहजहांपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों का बढ़ा जलस्तर, बाढ़ से बिगड़े हालात, हर जगह पानी ने जमाया कब्जा। शाहजहांपुर के कई इलाके में घरों में पानी भरने से सड़कों पर तैरता दिखा सामान, हालात बेकाबू होने पर प्रशासन ने सेना से मांगी मदद। शाहजहांपुर में भारी बारिश की वजह से अस्पताल और दफ्तर में भरा पानी, पानी में तैरती दिखाई दी दफ्तर की फाइलें और कागजात। दिल्ली मुनक नहर बांध के मरम्मत का काम जारी, एक दिन पहले बैराज टूटने से आसपास के इलाके जलमग्न हुए थे। उत्तराखंड में भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है, 7 जिलों में भारी से भारी बारिश का अलर्ट है। देहरादून और नैनीताल में जारी किया गया ऑरेंज अलर्ट। बुलंदशहर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, जल जमाव को लेकर डीएम हुए सख्त, पालिका प्रशासन साफ करता नजर आया रास्ता। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने विधायकों के साथ बैठक की, ताज लैंड्स होटल में शिवसेना एमएलए हैं, एमएलसी चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में हलचल तेज हो गई है। बिहार में गिरते पुल पर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर तंज, ट्वीट कर लिखा, पुल ही नहीं सुशासन ही भ्रष्टाचार भी, किनारे भी गिर रही हैं, सरकार ने पुल गिरने के मामले में बनाया विश्व रिकॉर्ड। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की एक बार फिर उठी मांग, बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार का बयान, कांग्रेस की सरकार ने किया नजरअंदाज, पीएम मोदी ने बिहार को आस है। आईएएस पूजा खेड़कर की बड़ी मुश्किलें, सरकार ने किया जांच कमेटी का गठन, निजी कार पर लाल बत्ती की भी जांच होगी। आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर ने विदर्भ के वाशिम में डेप्टी कलेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला, पूजा खेड़कर ने किसी भी टिप्पणी से इनकार किया। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बड़े स्तर पर सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी, इलाके में 2 से 3 संदिग्धों के छिपे होने की खबर। यूपी के सहारनपुर में एसडीएम को मिली फोन पर धमकी, पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू हुई।